नमस्कार, मैं हूँ श्रुति सिन्हा। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज के बुलेटिन में। हजारीबाग जिले में हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में होगा 30 करोड़ के नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन। 29 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में होने वाले समारोह को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संकट में हेमंत सरकार ने चुनौती को अवसर में बदला, धरातल पर उतरे कई योजनाएं। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मोरहाबादी में धरना दे रहे पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों से मुलाकात कर उनकी संवेदना जानने की कोशिश की। स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि देश हित की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस शुरू से ही प्रतिबद्ध रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में पार्टी कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी नेताओं ने सेल्फी विथ तिरंगा अभियान से जुड़कर कांग्रेस व किसानों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने की शुरुआत की। नववर्ष आगमन को लेकर पर्यटन स्थलों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का डीसी मंजुनाथ भजनी ने जायजा लिया। सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि जदयू के लोगों ने कहा है कि अरुणाचल में जो हुआ उसका असर बिहार के गठबंधन पर नहीं होगा। वैक्सीन पर विवाद, अब हिंदू महासभा के स्वामी बोले इसमें गाय का खून देश में ना हो इस्तेमाल। दिल्ली में वीसी द्वारा देश की पहली चालक रहित मेट्रो मजेंटा लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का शुभारंभ। राज्य सरकार असम में सभी मदरसों को बंद करने के लिए विधानसभा में पेश करेगी विधेयक। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 4 जनवरी में से इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। भारत का ड्रैगन को करारा जवाब, चीनी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध के एयरलाइंस को दिए निर्देश। भारत में कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू, एक दो दिन में अप्रूव हो सकता है ऑक्सफोर्ड का टीका। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे नए बुलेटिन के साथ।